दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नायकल 500 टेबलेट के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, जैसे कि इसके यूजेज क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रिकॉशन यानी कुछ सावधानियां वो क्या है, इसके यूज करने का तरीका क्या है, इसके स्टोर करने का तरीका क्या है, इस मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है, कौन से कंपनी का ये मेडिसिन है और इसका प्राइस कितना है। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए ताकि हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग नायकोल 500 टैबलेट के निर्माता कंपनी का नाम जानते हैं। तो इसको BMW फार्माको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और इस टैबलेट के कंपोजिशन है कैल्शियम और विटामिन D3। इसके बाद हम लोग इसके यूजेज के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को प्रोवाइड करते हैं। तो इस टैबलेट के मेनली यूजेज हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं दोस्तों कि कैल्शियम की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण हाथ और पैरों में सुन्न जैसा महसूस होने लगता है, वो सुन्न जो है कंटिन्यू भी रह सकता है या फिर कुछ समय का गैप लेते हुए हमको बार बार होगा। और दोस्तों हाथ और पैरों में झुनझुनी सा महसूस होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द भी होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी किसी को होता है कि बेहोशी जैसा भी महसूस होने लगता है। आपके दांतों में प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलने के कारण वो सड़ना भी शुरू हो सकते हैं, स्किन में रुखापन आना शुरू हो जाता है और कैल्शियम की कमी के कारण हम लोग के शरीर के हड्डियों में भी काफ़ी कमजोरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में हो सकते हैं, इसलिए कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके बाद इस टैबलेट के यूजेज हैं, शरीर में विटामिन D3 की कमी को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं दोस्तों कि विटामिन D3 की कमी के कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो विटामिन D3 की कमी के कारण BP बढ़ने का खतरा हो जाता है, कभी कभी किसी केस में हार्ट अटैक भी हो सकता है और एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों इतने सारी बीमारियाँ जो है विटामिन D की कमी के कारण होता है, तो इस टैबलेट को लेने से विटामिन D की कमी को दूर करने में काफ़ी सहायता मिलती है। और दोस्तों ऑस्टियोपेट्रोसिस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। अब हम लोग ऑस्टियोपेट्रोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों इस बीमारी की समस्या में हड्डियां बहुत ज़्यादा अधिक ठोस हो जाती है, जिस वजह से उनके टूटने या फिर फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ऑस्टियोपेट्रोसिस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। और इसका यूज ऑस्टियोपेनिया जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस बीमारी में हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, ये बीमारी लगभग 40 वर्ष के बाद महिला और पुरुषों दोनों में दिखाई देती है। इसके बाद नायकोल 500 टैबलेट का यूज दोस्तों सूखा रोग और शरीर में पोषण की कमी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इतने सारे दोस्तों इस नायकोल टैबलेट के यूजर्स थे, जैसे हर एक टैबलेट के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैसे इस टैबलेट के भी कुछ साइड इफेक्ट है, वो क्या क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट हैं कब्ज होना, मतली होना, गैस होना, सूजन होना, पेट दर्द होना, भूख की कमी जैसा लगना, बीमार महसूस करना और बहुत ज़्यादा अधिक प्यास लगना। तो इसके ये नॉर्मली कुछ साइड इफेक्ट है, रेयर हैं दोस्तों, जल्दी होते नहीं हैं, होने से अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस टैबलेट का यूज आप जब भी करें डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। अब हम लोग इस टैबलेट से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं, कुछ प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। जैसे जिनको BP का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हार्ट, किडनी, गुर्दे, लीवर से कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है या फिर किसी टाइप का एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो ये टैबलेट देने से पहले डॉक्टर को ये सब सारी बातें जो है जरूर शेयर करें। होता क्या है कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट दे देते हैं और आप उसका यूज करते हैं तो उस समय साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए जब आपको ये सब समस्याएँ होती हैं तो अपने डॉक्टर से सारी बातें जो है शेयर करें। फिर भी डॉक्टर आपको ये टैबलेट देते हैं तो आप उनकी निगरानी में रहेंगे। अब हम लोग इसके यूज करने के तरीके यानी इसके खाने के तरीके के बारे में जान लेते हैं। इसको जब भी लेना है, भोजन या नाश्ता करने के बाद नॉर्मल वाटर के साथ लेना है। अब वो एक टाइम लेना है या फिर दो टाइम लेना है ये आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, वो आपके केस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली इस टैबलेट को दिन भर में एक बार लिया जाता है भोजन करने के बाद। अब हम लोग इसके स्टोर करने के तरीके यानी इसके रखने के तरीके के बारे में जानते हैं। इसको जब भी रखना है डायरेक्टली जहाँ पे धूप लगती है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र है उस जगह से इस टैबलेट को दूर रखना है, रूम टेम्परेचर पर इस टैबलेट को रखना है और किसी सेफ जगह पर ही रखना है, और घर के पालतू जानवर और बच्चों से भी इस टैबलेट को दूर रखना है। और अब हम लोग नायकोल 500 टैबलेट के प्राइस के बारे में जानते हैं। तो इसका प्राइस 69 रुपये पर 15 टैबलेट है, यानी एक स्ट्रिप पर 15 टैबलेट आते हैं।
ये टैबलेट आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, साथ ही सिर्फ ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट के साथ मिल सकता है। दोस्तों इस टैबलेट से बेहतर रिजल्ट के लिए आपको नियमित रूप से इस टैबलेट को सही टाइम पे खाना बहुत ही जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस टैबलेट से जुड़ी हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम जरूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें दूसरे तक पहुँचाएं ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके, और साथ ही मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।